सबसे पहले तो मैं आपको रमजान मुबारक कहती हूँ। आज रमजान का पहला रोजा है तो मैं आपके लिए स्पेशल से मिक्स पकौड़ा मसाले की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लिया रॉयल किचन का नेचुरल एंड क्रीम खालिस चक्की बेसन 1 kg, साथ ही हमने मसाले लिए कसूरी मेथी की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली है, सूखा धनिया, ज़ीरा, सॉल्ट, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला। चलें हम स्टार्ट करते हैं। कसूरी मेथी और धनिया को हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पीसना, दरा दरा सा पीसना है। ये आपके लिए आसानी के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप इसको 2 वीक्स तक इस्तेमाल कर सकें रमज़ान में, तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। बेसन जो हमने मैंने आपको बताया था इसको हम इसमें ऐड करेंगे बड़े से बर्तन में। ने जो पीसा है पहले इसको इधर ऐड कर दो। और जो मैंने आपको बाकी मसाले बताए थे वो सारे इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत मुश्किल है मिक्स करना। हमारा मिक्स मसाला पकौड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे 2 वीक्स तक या उससे आगे भी। ये आपके लिए आसानी के लिए हमने बनाया है। आप इसमें इसका बैंगन पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं आसानी से। मिर्च पकौड़ा, माशाल्लाह कितना ज़्यादा बनाया हमने। आप कोशिश करें कि आप हमारे इस रमज़ान में वॉच टाइम आप पूरा कर दें। इसके बाद फिर मैं चैलेंज करूंगी, फिर वो वीडियो में लाऊंगी। ये देखिए हमने स्टोर कर लिया इसके अंदर। माइक ये वाली आइसक्रीम बहुत शौक से खाई जाती है, सारे बहुत शौक से खाते हैं। हिको डेरी आइसक्रीम पैरालाइन मेड विद मिल्क एंड फ्रेश क्रीम। इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते। अगर हम कुछ भी स्टोर करना चाहें तो हम इसमें इजीली स्टोर कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉच और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना है। आप करते ही नहीं हो,
इंस्टाग्राम पे फॉलो।